Hello everyone. Welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. The topic that we are going to cover today is food web. बच्चे previous lecture में हमने discuss किया था कि food chain क्या होती है अब food chain के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि food web को समझने के लिए आपको food chain का पता होना जरूरी है So previous lecture का जो link है वो मैं description में add कर दूंगी आप वो video भी जाके देख लीजिएगा इसकी definition देख लेते हैं food chain की असल में food chain एक ऐसी chain होती है food की जिसमें एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को खा रहा होता है यानी कि ईटिंग एंड बीन ईटन का प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर होकर दूसरे ऑर्गेनिज्म <स्थी> में जाती है यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म ने खाया है उसके अंदर एनर्जी चली जाएगी जैसे हम फूड लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी फूड की स्टोर हो जाती है हमें एनर्जी मिलती है उसे तो इसी तरह ईटिंग एंड बी बीटन का प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है तो फूड वेब क्या है अगर इन तमाम फूड चेन्स को इकट्ठा कर लें यानी कि हम बहुत ज्यादा फूड चेन्स इकट्ठे स्टडी कर रहे हो तो वो फूड का एक पूरा वेब बन जाएगा जैसे वेब साइड बहुत ज्यादा नेटवर्किंग है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ऐसी चेन्स या फूड चेन्स अगर काफी ज्यादा फूड चेन्स है वो इस तरह प्रेजेंट हो कि वो आप में इंटरलिंक्ड हो तो उसे हम फूड वेब कहेंगे ठीक हो क्या सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स में कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं कितने ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं क्योंकि हमें फूड वेब में ये समझना बहुत जरूरी है हमने फूड वेब में इनको डिस्कस करना है अब अगर हम बात करें बच्चे हमारे पास जो फूड चेन है ना वो हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी यानी कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी ग्रीन प्लांट्स पौधे हो गए फसलें हो गई ठीक है फ्लावर्स हो गए जो हमारे पास ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनसे स्टार्ट होगी और उसे हम बोलेंगे ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है नेक्स्ट हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल को खाएंगे उन्हें हम सेकंड टॉपिक लेवल का नाम दे देंगे जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट तो, टॉपिक टॉपिक लेवल ये वो टॉपिक लेवल है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको खाते हैं इसलिए हम इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं प्राइमरी मतलब इनिशियल कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं ठीक हो गया अब यहां पर हमारे पास सारे हरबी जो किसको खाएंगे ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले होंगे वो आ जाएंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल सेकेंड हो जाएगा और प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये ओके हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास वो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल अब ये वो ट्रॉपिक लेवल है या इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में मौजूद ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपनी एनर्जी लेते हैं ठीक हो गया जैसे ये बच्चे हमारे पास क्या है प्लांट है प्लांट को खा रहा है ग्रास ऊपर और ग्रास ऊपर को खा रहा है हमारे पास स्ट्रॉक तो ये हमारे पास क्या है एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हुई सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हुई तो ये हमारे पास जो एनिमल्स हैं ये जो कंज्यूमर्स हैं ये प्राइमरी से एनर्जी ले रहे हैं तो हम इन्हें सेकेंडरी कहेंगे ओके हो गया नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल अब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी लेते हैं ठीक हो गया इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले क्या कहलाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉग है फ्रॉग को कौन खा लेगा आगे स्नेक खा लेगा तो स्नेक जो है वो क्या है हमारे पास ये फोर्थ टॉपिक लेवल में आएगा टर्शरी कंज्यूमर होगा अगर हम बच्चे टॉप पे बात करें ये जो टॉपिक लेवल का टॉप है उसमें हमारे पास वो तमाम एनिमल्स आते हैं जो हमारे पास लाइक uh, टाइगर्स like हो गए गए ये हमारे पास एपिक्स हैं, मतलब ये बहुत सारे एनिमल्स का शिकार करते हैं और उन्हें अपनी खुराक बनाते हैं तो हमने ये टॉपिक लेवल्स देख लिए, अब ये जो टॉपिक लेवल्स हैं ये हमारे पास हमें फूड वेब समझने में आसानी करेंगे चले अब हम चलते हैं हमारे पास जो फूड वेब है वो आपने खुद देखना है कि किस तरह फूड चेन्स जो है वो फूड वेब बनती हैं। स्टार्ट करते हैं हम ग्रासेस से, ठीक है? अब हमारे पास ये जो घास है इसको खाने वाले कौन है ग्रास ऊपर खाता है ठीक हो गया ये अभी अभी हम एक फूड चेन बना रहे हैं ग्रास ऊपर को कौन खाएगा फ्रोक खा लेगा ठीक है फ्रोक को किसने खाया स्नेक ने खा लिया स्नेक को किसने खाया ईगल ने खा लिया तो ये एक पूरी फूड चेन बन गई है ठीक हो गया अब हम एक और सेकेंड फूड चेन देखते हैं ग्रेन्स है ठीक है ग्रेन्स को खाया किसने रेड माइस ने माइस को खा लिया किसने उल ने ठीक है अब यहां से आगे इसको किसने खा लिया डॉग ने तो ये एक हमारे पास क्या बन गई है एक सेकंड आपके पास आप कह सकते हैं फूड चेन बन गई है सेकंड फूड चेन अब हम चलते हैं एक थर्ड फूड चेन ले लेते हैं कैरेट है कैरेट को किसने खाया रैबिट ने खा लिया रैबिट को किसने खाया वुल्फ ने खा लिया और वुल्फ को किसने खाया लाइन ने खा लिया तो ये एक सेपरेट थर्ड फूड चेन बन गई है अब बच्चे ये जो फूड चेन का प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है जितना अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिजम जो है रेबिड फॉर एग्जाम्पल जो है उसको सिर्फ वुल्फ नहीं खाएगा रैबिट को खाने वाले और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसी तरह अगर हम बात करें ग्रास ऊपर की तो ग्रास ऊपर को खाने वाला सिर्फ फ्रॉग नहीं है इसको बर्ड्स भी खाते हैं इसको बहुत सारे और एनिमल्स भी खाते हैं तो ये जो फूड चेन होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है क्योंकि एक एनिमल का एक ईटर नहीं होता या फिर एक एनिमल जो है वो एक कोई एक चीज ही नहीं खा रहा होता इस यूनिवर्स में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो वो खा रहा होता है ठीक हो गया आप अपने आप को ही देख लें आप जो हैं कितनी चीजें खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट किस किस का मीट तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक हो गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे अगर हम देखें ये को, जो कॉम्प्लेक्स है या जिस वजह से ये जो फूड चेन्स हैं ये पूरा एक वेब बनता है अब हम वो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो तीन फूड चेन्स हैं ये बल्कि वेब बन जाएंगी फूड चेन की बजाय क्या बन जाएंगी ये वेब वेब बन जाएंगी चले अब चलते हैं घास को किसने खाया घास को रेबिट भी खाता है ठीक हो गया नेक्स्ट घास को रेबिट ने खाया फिर रेबिड को वुल्फ तो खा ही रहता है लेकिन रेबिड को डॉग भी खा लेता है ठीक है अब यहां पर एक रैबिट है खाने वाले कितने हैं दो तो ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स चेन बन गई है अब यहां पर जो ये जो हमने चेन स्टार्ट की थी यहां पर पहली चेन ये जो हमारी थर्ड चेन थी कैरेट रैबिट वुल्फ लाइन ये एक चेन थी लेकिन अब कैरेट रैबिट रैबिट के बाद दोबारा डॉग आ गया है तो ये एक चेन जो है वो अगेन डिफरेंट हो गई है ठीक हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेबिड को खाने वाला फॉक्स भी है ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ग्रेन्स की बात करें ग्रेन्स पे आ जाएं ग्रेन्स को ना सिर्फ रेट खाता है बल्कि ग्रेन्स को बर्ड्स भी खाते हैं ठीक हो गया और बर्ड्स को फिर आगे डॉग खा लेता है तो ये क्या बन गई दोबारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया ठीक हो गया नेक्स्ट चलते हैं बर्ड को ईगल भी खाता है इसी तरह हम आपस अगर हम घास की बात करें ठीक है उसको बीटल्स भी खाते हैं बीटल्स के अलावा अगर हम देखें बीटल्स जो है उनको आगे कौन खाता है फ्रॉग खा लेते हैं ठीक है अब ग्रास ऊपर को ही सिर्फ फ्रॉग नहीं खाता फ्रॉग बीटल्स को भी खा रहा है अब हम चलते हैं घास को ही देख लेते हैं दोबारा ग्रास को कौन खा रहा है डियर भी खा रहे हैं और डियर को आगे कौन खा रहा है वुल्फ खा रहा है ठीक हो गया तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया यानी कि जो पहली तीन चेन्स थी हमारे पास वो आपस में इंटरलिंक्ड हो ही जा रही हैं ठीक है वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रही हैं कॉम्प्लेक्स किस्म का दोबारा देख लेते हैं ग्रास ऊपर को ग्रास ऊपर जो है उसको बर्ड्स भी खाते हैं ठीक हो गया ग्रास ऊपर को ऊल भी खाता है ठीक है अब ग्रास ऊपर के बाद हम आ जाते हैं फॉक्स पे ये फॉक्स पे आ जाए फॉक्स को लाइन भी खा रही है ठीक है अब यहां पर दोबारा से फूड चेन क्या हो गई है डाइवर्ट हो गई है फूड चेन जो है वो तब्दील हो गई है फूड चेन की बजाय ये क्या बन गई है पूरा वेब बन गई है नेक्स्ट हमारे पास अगर बच्चे हम ये देखें ये जो हमने एक पूरे एरोस लगा के देखा है मेन चीज आपने जो नोट करनी है अपने टॉपिक में जो आपने लिखना है तो आपने कहना है कि ये जो प्राइमरी है जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स का नाम दे रहे हैं ये एनर्जी सोलर से लेते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं जब ये खुराक बना रहते हैं तो इनको कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये टॉपिक लेवल कौन सा है ये सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी हमारे पास कंज्यूमर लेवल है ठीक हो गया फिर इनको खाने वाले जो हैं वो कौन है ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं और ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा थर्ड और फिर इनको खाने वाले जो हैं बच्चे वो टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं और ट्रॉपिक लेवल फोर्थ बन जाता है तो ये था हमारा फूड वेब से रिलेटेड अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस चेक कर लेते हैं कि फूड वेब का इंपॉर्टेंस क्या है तो बच्चे ये जो पाथवे है फूड वेब का ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है कि ये जो इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है वो स्टेबल हो मतलब जो हमारे पास बैलेंस है जो नेचर ने नी मेंटेन किया हुआ है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है अगर हम बात करें सपोज करें रैबिट जो हमारे पास फोक्स है वो आपके पास रैबिट को खाती है ठीक हो गया और जो रैबिट है वो किसको खाता है वो घास को खाता है वो कैरेट को खाता है ठीक हो गया अगर हमारे पास रैबिट जो है वो कम हो जाए तो फोक्स जो है वो रैबिट को नहीं खा रहा होगा उस टाइम पे लेकिन फोक्स जो है वो ग्रास ऊपर को तो खा रहा है ना या फोक्स जो है वो डियर को तो खा रहा है ना तो हमारे पास या फिर जो फोक्स है वो माउस को खा रहा है राइट को खा रहा है रेड को खा रहा है तो अगर हम बात करें रैट हो गया माइस हो गया इसको तो खा रहा है ना फॉक्स तो अगर इस कंडीशन में जिस कंडीशन में रैबिट नहीं है फॉक्स के पास तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो फूड है जो ग्रासेस हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको खाने वाले रैबिट्स कम हो गए हैं जब हमारे पास वो कम हो गए हैं तो फूड ग्रो ज्यादा करेगी तो फूड जो है वो माइस और रेड के लिए ज्यादा अवेलेबल होगी जब माइस और रेड के लिए फूड ज्यादा अवेलेबल होगी तो उनकी पॉपुलेशन में भी इजाफा हो जाएगा तो उनको खाकर फोक्स जो है वो अपनी कमी पूरी कर लेगा लेकिन जब फिर हमारे पास दोबारा से सिस्टम में रैबिट की जो अमाउंट है पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो जाएगी तो दोबारा से जो नेचर है वो क्या कर देगी ये फूड सोर्स को बैलेंस कर देगी तो इस तरह हमारे पास जो फूड वेब है जो हमारे पास पूरा एक वेब बनता है खुराक का फूड का वो मेंटेन करने में हेल्प करता है एक स्टेबिलिटी को प्रॉपर स्टेबिलिटी को इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम में हर चीज जो है वो स्टेबल रहे तो ये था हमारा आज का टॉपिक फूड वेब नेक्स्ट होगा हमारे पास सक्सेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अला हाफिज